अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम आए हैं लेंस इस्तांबुल के प्ले लैंड जो कि पेंडिक में है, जिसके अंदर बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। यहाँ से एंटर होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी खूब इंजॉय करते हैं। ये सारी राइड्स जो हैं ये 25 लिरास की हैं, 25 लिरा की हैं। और लेफ्ट साइड पर आपको कॉर्नर पर काउंटर नज़र आ रहा होगा, वहाँ से कार्ड बनता है। जो प्ले लैंड का कार्ड है वो 10 लिरा का बनता है। उसी के लेफ्ट साइड पर एक और जगह है जहाँ पर बच्चों का पूरा बहुत बड़ा सा प्ले एरिया है। इट्स काइंड ऑफ अ फन एंड एडवेंचर एक्टिविटी फॉर किड्स और उसके 150 लिरास हैं, तो वो हम उनको दे देते हैं और वो कार्ड को चार्ज कर देते हैं। उसी से ही डोर की स्कैनिंग होती है, बच्चे अंदर जाते हैं, पेरेंट्स तो खैर फ्री में ही चले जाते हैं। ये बड़ों का बोलिंग एरिया है और ये है बच्चों का प्लेइंग एरिया। इसमें पेरेंट्स बाहर बैठते हैं और एक पेरेंट अलाउड होता है कि वो बच्चे के साथ अंदर जा सकता है। सबसे मज़े की बात मुझे ये लगती है कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ स्लाइड्स ले सकते हैं, तो इस तरह से 150 लिराज में 2-in-1 हो जाता है। बीइंग अ पेरेंट आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, कुछ ना कुछ आप हैंडल कर ही रहे होते हैं उसमें। तो जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई तो मुझे ये बड़ा अच्छा भी लगा और मज़े का भी लगा कि पेरेंट्स भी जो है बच्चों के साथ जंपिंग कर रहे हैं और स्लाइड्स ले रहे हैं। तो तब आई रियलाइज्ड कि हम मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरे करने में हम अपने अंदर का बचपना खो देते हैं और भूल जाते हैं। तो हमारे अंदर भी जो एक बचपना होता है उसको थोड़ा सा ज़िंदा रखना चाहिए उस बच्चे को भी, और अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करना चाहिए। हम वक्त से पहले ही अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं कि हमें खेलना, भाग दौड़ करना, पकड़म पकड़ाई खेलना, बच्चों के साथ खेलना वियर्ड लगने लगता है। तो कभी कभार बच्चों के साथ बच्चे बन जाना चाहिए, ऐसा खुद के लिए भी जी लेना चाहिए। काम तो सारी ज़िंदगी चलते ही रहेंगे। और लिटरली जब स्लाइड्स ली तो वाकई में बड़ा मज़ा भी आया, क्योंकि बचपन में कभी ली थी, उसके बाद फिर अब इतने बड़े होकर फिर अब ली तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट फनी मोमेंट था और मज़ा भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस लिहाज से इट्स अ रियली गुड प्लेस फॉर पेरेंट्स एंड किड्स, स्पेशली अगर मदर्स आपस में प्लान कर लें कि हम बच्चों के साथ चले जाते हैं किसी दिन, तो फिर मदर्स भी जो है ना वो फिर बच्चों के थोड़ा फन कर लेती हैं इस तरह से। तो डेली रूटीन से हटकर थोड़ी सी एक चीज़ हो जाती है, एक एक्टिविटी हो जाती है, थोड़ा फन भी हो जाता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। क्या सोना नहीं है? इसमें एक घंटे का भी होता है लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, 100 लिराज एक्स्ट्रा होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर के लिए बच्चों को रखना है और आप उस लिहाज से पेमेंट कर सकते हैं। और अब माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी हो गई हैं, तो आपस में हम ख़वातीन प्लान कर लेते हैं और बच्चों के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। तो वंस इन अ मंथ एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है बच्चों के लिए भी और मदर्स के लिए भी, और बच्चे आपस में खेलते हैं यहाँ पर तो फिर उनकी दोस्तियाँ भी हो जाती हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है तो उस लिहाज से थोड़े से रेट्स इसके हो सकता है चेंज हो गए हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, मतलब 30 लिराज 50 लिराज तक का फ़र्क आता है यहाँ पे इस प्ले लैंड के लिए खाली। तो जब आप आएँगे तो आप उनसे पूछेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम जब हम गए थे तो यही वाले रेट्स थे। अंदर जाने के लिए एक मैंडेटरी रूल है और वो ये कि सबने सॉक्स पहने हुए हों जो भी अंदर जा रहा है। शाबाश, ऊपर बच्चे ने भी सॉक्स पहने हुए हों और अगर कोई पेरेंट अंदर जा रहा है तो उसने भी सॉक्स पहने हुए हों। आराम आराम से उतरे, पाँव को सपोर्ट दें, शाबाश, क्योंकि सॉक्स के बगैर वो अंदर नहीं जाने देते। वेरी गुड, बिस्मिल्लाह। आधे घंटे के बाद वो बता देते हैं कि आपका टाइम ओवर हो गया है। टाइम ओवर हो गया आयरा। जब एंटर होते हैं तो शूज़ यहाँ रखते हैं, जाते हुए शूज़ पहनकर इस गेट से बाहर निकल जाते हैं। राइट साइड पे छोटे बच्चों का बनाया हुआ है और लेफ्ट साइड पे बड़े लोगों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सब फैमिलीज मिलकर ही खेल रही होती हैं। इट्स बिग, लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके सामने ही आपको ब्लू कलर का जो ईबे बिक नज़र आ रहा है, यहाँ पर न्यूबॉर्न से लेकर 3 इयर्स तक के बच्चों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और ये यहाँ की लोकल कंपनी है। और बच्चों के साथ साथ मैटरनिटी की भी आपको सब चीज़ें यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। तो जी, दिस वॉज ऑल अबाउट प्ले लैंड जो कि लेंस इस्तांबुल पर है। फैमिली और बच्चों के लिए इंडोर एक्टिविटीज़ का एक अच्छा स्पॉट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइस लाइक इट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।